सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लेके बहुत बड़ी एक अपडेट आया है। इस वीडियो के अंदर सारे डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। देख सकते हैं स्पेशली नोटिफिकेशन जारी कर चुका है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो यहाँ पे क्या अपडेट आया है आप लोगों को सारे डिटेल्स यहाँ पर वन बाई वन क्लियर करके बताऊँगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे डिटेल जो है मिल जाएगा। इसके साथ आप सभी लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नया आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को। इसी के साथ साथ कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट करना मत भूले, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूंगा। तो फिलहाल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो अपडेट आया है यहाँ पे बता रहा है कि इवोल्यूशन एडॉप्ट बाय द यूनिवर्सिटीज़ एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवार्डेड ऑन द बेसिक परफॉर्मेंस और प्रीवियस सेमिस्टर ओनली इफ अवेलेबल। तो यहाँ पे जो बताए इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है, यूनिवर्सिटीज़ के 50% मार्क्स जो है अवॉइड कर दिया जाएगा प्रीवियस सेमिस्टर के लिए। इसी के साथ साथ बताया गया कि द इंटरनल इवोल्यूशन कैन बी कंटिन्यूस इवोल्यूशन प्रीमियम और मिड सेमिस्टर और इंटरनल इवोल्यूशन हॉट एवर नेम इज़ गिविन स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो यहाँ पे जो है इंटरनल इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करके प्रीमिलियम और मिड सेमिस्टर के जो इंटरनल इवोल्यूशन है उसको ही स्टूडेंट को प्रोग्रेस करने के लिए और नेक्स्ट सेमिस्टर के जाने के लिए जो मार्क्स है आप लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ बताया गया है कि इन दिस सिचुएशन वेयर द प्रीवियस सेमिस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल पार्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर और एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जाम 100% एवोल्यूशन मे बी डन ऑन बेसिक इंटरनल असेसमेंट। तो यहाँ पे बताया रहा है कि इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के माध्यम में जो पिछले ईयर के मार्क्स है और एनुअल मार्क्स है 100% एवोल्यूशन अभी तक के लिए कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी के साथ बताया गया है कि इफ़ द स्टूडेंट आर हैप्पी विद देयर मार्क्स, तो यहाँ पे जो बताया गया इस पिछली सेमिस्टर के मार्क्स और इंटरनल एग्ज़ाम के जो मार्क्स है अगर वो लोग लेके नेक्स्ट सेमिस्टर में क्वालिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे उनके लिए ये जो है दिया जाएगा। अगर नहीं करना चाहते उसी के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम जो है यहाँ पे दिया जाएगा जिसके आप लोग फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि इफ़ द स्टूडेंट विच इज इम्प्रूव द ग्रेड ही और सी मे अपीयर इन स्पेशल एग्ज़ाम फॉर द सर्च सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमिस्टर। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि अगर आप नेक्स्ट सेमिस्टर में के लिए प्रोमोट कर दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और आपके मार्क्स लेके आप हैप्पी नहीं है तो फिर से जो है स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग आपका कोई भी जिस सब्जेक्ट में आप मार्क्स के आप खुश नहीं है आप लोग उसी सब्जेक्ट के ऊपर फिर से जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद बताया गया है कि द प्रोविजन इंटरमीडिएट सेमिस्टर एग्जामिनेशन इज़ ओनली फॉर द करेंट एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पे जो इंटरनल सेमिस्टर के जो मार्क्स है 2019 से 2020 एकेडमिक सेशन के मार्क्स दिया जाएगा जो कि पिछली बार के मार्क्स है। इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक व्हाइल द मेंटेनिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑल द स्टेक होल्डर एंड स्कैंटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि पिछले ईयर के जो मार्क्स है यहाँ पे प्रोमोट करने के बाद ही आप लोगों को उसी मार्क्स को लेके जो है नेक्स्ट ईयर में जाना होगा। अगर आप उसमें हैप्पी नहीं है तो आप लोगों के लिए फिर से जो है नेक्स्ट सेमिस्टर के लिए फिर से एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज कर दिया जाएगा जहाँ पर आप लोग फिर से एग्ज़ाम दे के आप लोगों का जो मार्क्स है उसको इनक्रीज कर सकते हो। इसी के साथ बता रहा है कि इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग स्टेप आर रिक्वायर टू बी टेकन द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट इन व्हिच द यूनिवर्सिटीज आर द वेरी अदर यूनिवर्सिटीज आर वेरी एवरी स्टूडेंट टू प्रोमोट द नेक्स्ट सेमिस्टर हाउ आर सर्टन स्टूडेंट मेड क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स ऑफ व्हिच इज फेल रिमेन्स एबसेंट
whenever the examination is held next, the student may be allowed to improve their grade by the offering additional opportunity and appearing the current course in the successful semester or year through the supplementary examination. तो यहाँ पे जो बता रहा है कि अगर आपके नंबर पे खुश नहीं है या जो जो कैंडिडेट फेल हो रहा है उन सारे कैंडिडेट को जो है फिर से एक मौका दिया जाएगा नेक्स्ट सेमिस्टर में, जहाँ पे आप लोग आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए फिर से आप लोग आपका एप्लीकेशन कर सकते हो यहाँ पे और आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। इसी के साथ साथ बता रहा है कि तो इसका मतलब जो बेसिकली हुआ है, इस बार जो एग्ज़ाम के कोई भी कैंडिडेट अगर सप्लीमेंट्री लेके पास हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट सेमिस्टर के लिए आप लोग फिर से प्रिपेयर करके उसका ही एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो। इसी के साथ बता दिया गया है कि द मॉडलेटिशन फॉर द एग्जामिनेशन एंड द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज बी अप्लाई इन यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ऑल द कोर्स इन द यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे जो है ऑल द इसके बाद बताया गया है कि द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म वेल इन एडवांस एटलीस्ट वन वीक अबाउट द कॉन्डक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि एटलीस्ट वन वीक के पहले जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज से भी आप लोगों को जो है पूरा डिटेल्स मिल जाएगा पिछले एग्ज़ाम के लिए। तो इसके बाद जो बता रहा है कि रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट मिनिमम परसेंटेज अटेंडेंस फॉर द स्टूडेंट रिचेज स्कॉलरशिप द पीरियड ऑफ लॉकडाउन मे बी ट्रीट एज द डिमेट टू बी अटेंडेड बाय द स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप पाने के लिए जो मिनिमम आपको अटेंडेंस है वो भी जो है यूनिवर्सिटी से आप लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद बता रहा है कि द यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर द फैसिलिटीज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट परसुइंग प्रोजेक्ट डिस्ट्रेशन इन व्यू ऑफ प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंस। द यूनिवर्सिटीज में कंसीडर द असाइन रिव्यू बेस्ड एंड सेकेंडरी डाटा बेस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के जो असाइनमेंट होता है एंड जो प्रोजेक्ट होता है डाटाबेस प्रोजेक्ट सब कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से इस बार कंसीडर कर दिया जाएगा। तो यही था आज की अपडेट, और भी कुछ जानकारी के लिए आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले, और कुछ जानकारी के लिए आप लोग कॉमेंट करना मत भूले, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।